परम आदरणीय फादर लिनुस पिंगलेक का गुमलाधरम प्रांत के प्रशासक श्री सेत कुमार एक्का गुमलाधरम प्रांत कैथोलिक सभा के अध्यक्ष श्रद्धेय फादर रामो विंसेंट मिंज विद्यालय के प्राचार्य एवं इस खेल के संरक्षक श्रद्धेय फादर्स यहाँ पर से गणमान्य मेहमानगण विशिष्ट अतिथिगण या मेरे तमाम खेल प्रेमी हाँ और कोई टीम में से आ जाएंगे हाँ तो हम इन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। इन्होंने बहुत सुंदर मुकाबला बहुत सुंदर मैच का प्रदर्शन करते हुए अपने टीम को क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय जर्माना के प्रधान अध्यापक फादर सेलेस्टिन मिंज आसी प्राइमरी विद्यालय के प्रधान अध्यापक तुरमुंगा की बालिका टीम को सम्मानित करेंगे। हमारी ये छात्रा क्वार्टर फाइनल खेलते दरमियान चोटिल हो गई और उन्हें कल प्लास्टर के लिए लिया गया। हम शुभकामना देते हैं दुआ देते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाइए। आरसी मिडिल स्कूल डुमरपाट और इन्हें सम्मानित करेंगे फादर मुक्ति छतापहार माइकल हाई स्कूल के प्रिंसिपल फादर मुक्ति ओके हम उन्हें उनके पूरे टीम के कोचेस मैनेजर्स और टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं और भविष्य के लिए शुभकामना अदा करते हैं। बहुत प्रांत के प्रशासक फादर लिनुस पिंगलेक का विद्यालय के प्रधान अध्यापक रामो विंसेंट मिंज अन्य विद्यालय के प्रधान अध्यापकगण फादर वीरेंद्र तिर्की और फादर सिरिल कुल्लू धर्म प्रांत के कैथोलिक सभा के अध्यक्ष सेत कुमार अन्य सभी फादरगण शिक्षकगण और खेल प्रेमियों 3 दिवसीय भूषण तिर्की मुन्ना मुन्नी फुटबॉल प्रतियोगिता के सफल संचालन में जो भी योगदान रहा है उसके लिए धन्यवाद देने के 2 शब्द कहने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। सबसे पहले निश्चित रूप से हम धन्यवाद देंगे मुख्य अतिथि को जो हमारे बीच फिलहाल नहीं है लेकिन उन्होंने भरपूर हमारा सहयोग किया प्रोत्साहित किया और खेल में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित किया है उसको हम सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रतियोगिता के संरक्षक एवं इस प्रतियोगिता के नींव रखने वाले आदरणीय फादर रामो विंसेंट मिंज को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके प्रयास से और प्रोत्साहन से सलाह से ये आयोजन सफलता तक पहुंचा है। हम आप सबों की ओर से फादर को मैं धन्यवाद देता हूं और इसी तरह हमेशा हमें प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। तीसरे स्थान में हम सभी मेहमान विद्यालय के प्रधान आचार्यों को शिक्षक शिक्षिकाओं को खेल प्रेमियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को खेलने के लिए यहाँ भेज करके और खेलने के लिए प्रोत्साहित करके हमें सहयोग दिया है। मैं सभी प्रधान आचार्यों को शिक्षक शिक्षिकाओं को उन्हें गाइड करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और हमें सहयोग करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। गुमलाधरम प्रांत के प्रशासक श्रद्धे फादर लिनुस पिंगलेक्का को उनके प्यार और प्रोत्साहन के लिए हमारे साथ आज हैं और उनकी उपस्थिति हमें प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है और उनके सुंदर वचन
उसके लिए भी हम फादर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तकनीकी मेज में काम करने वाले सभी सदस्यों को, शिक्षक शिक्षिकाओं को, रिकॉर्ड कीपर्स को, टाइम कीपर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनके सहयोग के लिए। तकनीकी सलाहकार मैं देना चाहूंगा उनका, श्री प्रदीप राम जी, श्री रॉबर्ट टुप्पो जी, और हमारे स्कूल में ही फिलहाल काम करने आए भोला जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। ये ना केवल हमें तकनीकी सलाह दिए लेकिन हमारे अंपायर्स को, रेफरी गण को उन्होंने प्रशिक्षित किया और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है, सलाह दिया है। मैं उनको सुंदर ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथ साथ सभी रेफरी करने वाले भाइयों को, बहनों को, पहली बार हमारे इस क्षेत्र में ना केवल विद्यार्थी लड़के अंपायरिंग में काम किए लेकिन हमारी बालिकाएं भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं उनको बधाई देता हूं और सभी गेम्स को संचालित करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आयोजन समिति के सभी सदस्यों को, विशेषकर फादर रंजीत थलखो को, उन्होंने कल कह रहा था कि सबसे छोटे सदस्य मैं हूं आयोजन समिति का, लेकिन तब इस आयोजन को बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने आयोजित किया, संचालित किया। मैं आप सबों की ओर से, आयोजन समिति की ओर से फादर रंजीत को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई कहता हूं। आगे के आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। मेस विभाग में काम करने वाले सभी भाइयों को, बहनों को, माता पिता को जो किचन में काम कर रहे थे, बांटने समेत मैं धन्यवाद देता हूं। हमें स्वादिष्ट खाना परोसने के लिए, हमारे बच्चे बहुत खुश थे उनके खाना से, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैच संचालन करने वाले भाइयों को, जो बहनों को जो मैच को सजीव रखने के लिए हमारे सामने, मैं धन्यवाद देता हूं। इस आयोजन में कुछ स्पॉन्सरशिप रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसमें हमारे धर्म प्रांत के कैथोलिक सभा और महिला संघ के सदस्यगण हमारे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ स्पॉन्सर्स किए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। गुमला धर्म प्रांत के सभी अध्यक्ष महोदय सेठ कुमार का हमारे साथ भी हैं, उन्होंने भी अपने ओजपूर्ण भाषण से, शब्दों से प्रोत्साहित किया है हमारे बच्चों को, हम सबों को भी। और हमारे साथ एक संरक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में रहने के लिए मैं आयोजन मंडली की ओर से धन्यवाद देता हूं। स्वागत दल और नृत्य दल आज के प्रोग्राम को रंगीन बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने स्वागत किया हमारे मुख्य अतिथि को और नृत्य दिखाया, मैं धन्यवाद देता हूं। मीडिया के सभी मेंबर्स को जो हमारे मैच को दूसरे क्षेत्र तक, दूसरे जगह तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे छात्रावास के सभी विद्यार्थियों को उनके योगदान के लिए, सहयोग के लिए, मैच के पहले इस मैदान को साफ सुथरा करने, मैच के बाद साफ सुथरा रखने, और अभी जो हम इस माहौल को देख रहे हैं इसमें हमारे छात्रावास के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगर मैं किसी को भूल गया हूँ, शायद मैं दर्शक गणों को मैं भूल रहा हूँ, सभी दर्शकों को आयोजन मंडली की ओर से धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ अपनी उपस्थिति से, अपने सलाह से, अपने आवाज़ से उन्होंने हमारे
खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है, प्रोत्साहित किया है। सभी दर्शकों को, गुमला के स्थानीय लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में निश्चित रूप से हमारे बिशप हाउस के सभी पुरोहितों को, अपने शायद उन्हीं के संरक्षण में हम काम हैं और उसकी अगुवाई हमारे प्रशासक फादर लिनुस पिंगा एक्का करते हैं, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं अपना विराम, अपना भाषण का, अपना धन्यवाद ज्ञापन का विराम देता हूं, और किसी को मैं भूल गया हूं तो उनको भी धन्यवाद। आपको बताते चले कि इस पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट स्कोरर प्राप्त करने वाली टीम है। गर्ल्स टीम में आरसी मिडिल स्कूल रामपुर, जिसके जर्सी नंबर 10 जेनिफा बागे को बेस्ट स्कोरर का खिताब दिया जाता है। तो मैं जेनिफा बागे को मंच पर आमंत्रित करता हूं, इन्हें सम्मानित करेंगे फादर रामू विंसेंट मिंस। तो मैं फादर रामू को आमंत्रित करता हूं, आग्रह करता हूं उनसे इन्हें सम्मानित करें। बेस्ट स्कोरर इसके बाद बेस्ट डिफेंडर का खिताब मिलता है संत अन्नाज मिडिल स्कूल चैनपुर को। बेस्ट डिफेंडर इन्हें भी सम्मानित करेंगे फादर प्रिंसिपल। जर्सी नंबर 3 अनुशीला टुप्पो को आमंत्रित करता हूं बेस्ट डिफेंडर के लिए। इसके बाद बेस्ट गोलकीपर आरसी मिडिल स्कूल रामपुर, बेस्ट गोलकीपर आरसी मिडिल स्कूल रामपुर जर्सी नंबर 1 अंजेलिना बुढ़िया, आमंत्रित करता हूं उनको भी मंच पर, इन्हें भी फादर के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद इस पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाली टीम है आरसी मिडिल स्कूल रामपुर। मैन ऑफ द मैच पुनः आरसी मिडिल स्कूल रामपुर को दिया जाता है, जर्सी नंबर 5 मिल्खा सुरीन को आमंत्रित करता हूँ उन्हें सम्मानित करेंगे। हाँ, तुरमुंगा के कोच, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तुरमुंगा के कोच, एक्चुअली थोड़ी बहुत फेर बदल हो गई, संत पादरी क्लब की ओर से आपको सम्मानित किया जा रहा है। बेस्ट मोस्ट डिसिप्लिन टीम के रूप में आपकी बालिका वर्ग सम्मानित की जाते हैं संत पादरी क्लब की ओर से, आप अपना पुरस्कार ले जाएं। और मेघा लकड़ा जर्सी नंबर 1 इस पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब उन्हें दिया जाता है। मेघा लकड़ा जर्सी नंबर 8 पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब उन्हें दिया जा रहा है। मोस्ट डिसिप्लिन टीम तुरबुंगा की टीम, सेंट अर्नोल्ड हाई स्कूल तुरबुंगा की टीम को सम्मानित करेंगे फादर रॉबर्ट तिर्की। फादर रॉबर्ट टप्पो सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार तालियां। धन्यवाद फादर। इसके बाद बॉयज टीम इस पूरे टूर्नामेंट में बॉयज टीम का क्या परिणाम रहा, बेस्ट स्कोरर प्राप्त करने वाली टीम है संत जॉन मेरी बियानी कोनबी। आकाश मिंज जर्सी नंबर 3 को आमंत्रित करता हूं मंच पर, और इन्हें सम्मानित करने के लिए फादर वीरेंद्र तिर्की से अनुरोध करता हूं कि आकाश मिंज को सम्मानित करें। फादर वीरेंद्र तिर्की। बेस्ट डिफेंडर राहुल गोप, आकाश मिंज ने टोटल 12 गोल किया है इस पूरे टूर्नामेंट में, और बेस्ट स्कोरर का खिताब इन्होंने पाया है। आकाश मिंज को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सम्मान के लिए भी मैं फादर वीरेंद्र से ही अनुरोध करूंगा कि वे अन्य लोगों को भी सम्मानित करने के लिए बने रहेंगे। राहुल गोप जर्सी नंबर 2 संत मिखाइल हाई स्कूल
छाता पहाड़ बेस्ट डिफेंडर का खिताब यह दिया जाता है राहुल गोप जर्सी नंबर 2। इसके बाद गुलशन तिर्की जर्सी नंबर 1 आरसी प्राइमरी स्कूल जर्मना। गुलशन तिर्की जर्सी नंबर 1 आरसी प्राइमरी स्कूल जर्मना बेस्ट गोल कीपर का खिताब इन्हें दिया जाता है गुलशन तिर्की बेस्ट गोल कीपर। इसके बाद अमित उराव जर्सी नंबर 12 संत मिखाइल हाई स्कूल छाता पहाड़ इनको मैन ऑफ द मैच के खिताब के लिए आमंत्रित किया जाता है अमित उराव संत मिखाइल हाई स्कूल छाता पहाड़। इसके बाद राकेश लिंच जर्सी नंबर 6 आरती प्राइमरी स्कूल जर्मना मैन ऑफ द सीरीज के खिताब के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है राकेश लिंच जर्सी नंबर 6 मैन ऑफ द सीरीज। तो इसके लिए जोरदार तालियां। मैं फादर वीरेंद्र तिर्की को धन्यवाद देता हूं। और इसके बाद टीम में अब पुरस्कार वितरण समारोह को आगे बढ़ाते हुए अनुशासित बालक टीम में जिन्होंने खिताब पाया है वह है संत जोसेफ मिडिल स्कूल करुंदा बेड़ा। संत जोसेफ मिडिल स्कूल करुंदा बेड़ा अनुशासित बालक टीम के लिए मैं टीम के कैप्टन को आमंत्रित करता हूं। मैं फादर सिरिल कुल्लू को इन्हें सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अनुशासित टीम सेंट जोसेफ हाई स्कूल करोदा बेड़ा। धन्यवाद फादर सिरिल। अब बॉयज टीम जिन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है संत जोसेफ मिडिल स्कूल बनारी। मैं इस टीम के कैप्टन को हाँ जैसा सूचना मिल रहा है वे अभी उपस्थित नहीं है उनके कोच उस टीम को लेकर के कहीं दूसरी जगह टूर्नामेंट तक चले गए हैं तो उनका पुरस्कार सुरक्षित रखा हुआ है। इसके बाद डॉन बॉस्को स्कूल बमनी टीम के कैप्टन को मैं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। और हाँ टीम नहीं है तो मैं डॉन बॉस्को स्कूल के प्रिंसिपल को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ और फादर कल्याण से अनुरोध करता हूँ कि वे डॉन बॉस्को स्कूल के प्राचार्य को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां। इसके बाद बॉयज टीम में संत अनमाज हाई स्कूल फुगू टीम के कैप्टन को मैं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं और इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे फादर बर्नाडस करकेटा। मैं फादर बर्नाडस करकेटा से अनुरोध करता हूं कि संत अनमाज हाई स्कूल फुगू टीम के कैप्टन को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। संत अनमाज हाई स्कूल फुगू कोच इनके कोच या मैनेजर आकर के पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे संत जोसेफ स्कूल करुंदा बेड़ा टीम के कैप्टन उनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं वे आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। और सिस्टर सालिनी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे टीम के कैप्टन को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। सिस्टर शालिनी जोरदार तालियां। इसके बाद आरती मिडिल स्कूल डुमरपाट के टीम के कैप्टन को मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर आकर भी अपना पुरस्कार ले जाएंगे। और मैं श्री रॉबर्ट टोप्पो को अनुरोध करता हूं उनसे कि वे पुरस्कार देकर सम्मानित करें। श्री रॉबर्ट टोप्पो श्री आरती मिडिल स्कूल डुमरपाट टीम के कैप्टन अगर टीम के कैप्टन नहीं है तो कोच या मैनेजर जो भी है आकर पुरस्कार ग्रहण करें। हाँ
इसके बाद बॉयज टीम की बात करें तो क्वार्टर फाइनलिस्ट टीम आरसी प्राइमरी स्कूल सोसो, आरसी प्राइमरी सोसो टीम के कैप्टन से टीम के कैप्टन को आमंत्रित करता हूं, आकर वे अपना पुरस्कार ग्रहण करें। और मैं श्री रोबर्ट टप्पो जी से आग्रह करता हूं कि वे पुरस्कार देकर इन्हें सम्मानित करेंगे। क्वार्टर फाइनलिस्ट टीम इसके बाद क्वार्टर फाइनलिस्ट टीम में है संत अंदाज मिडिल स्कूल चैनपुर। टीम के कैप्टन से मैं आग्रह करता हूं कि मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। संत अंदाज मिडिल स्कूल चैनपुर और मैं फादर पॉल से आग्रह करता हूं कि पुरस्कार देकर इन्हें सम्मानित करेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे संत पैट्रिक हाई स्कूल गुमला डी टीम के कैप्टन से अनुरोध है कि वे मंच पर आकर के अपना पुरस्कार ग्रहण करें। सेंट पैट्रिक हाई स्कूल गुमला बी टीम के कैप्टन और मैं सर प्रदीप राम से आग्रह करूंगा कि वे इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करें। हाँ, ये क्वार्टर फाइनलिस्ट टीम है सेंट पैट्रिक हाई स्कूल गुमला की बी टीम। सर प्रदीप राम, आप इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करें। इसके बाद क्वार्टर फाइनलिस्ट टीम में है संत अर्नोल्ड हाई स्कूल तुरबुंगा, ये ऑलरेडी अपना पुरस्कार ले जा चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है सेमी फाइनलिस्ट टीम, सेमीफाइनल में जो टीम आए थे पहले नंबर पर है संत पैट्रिक गुमला ए की टीम। टीम के कैप्टन से अनुरोध है कि वे मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें और मैं फादर क्रिस्टोफर किर्की से आग्रह करूंगा कि इनको पुरस्कार देकर सम्मानित करें। फादर क्रिस्टोफर किर्की नहीं है तो मैं सर शिवास से अनुरोध करूंगा कि वे बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। सर शिवास। इसके बाद सेमी फाइनलिस्ट टीम में है संत जॉन्स मैरी बियानी कोनबीर, संत जॉन मेरी बियानी कोनबीर की टीम के कैप्टन मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। और मैं इसके लिए श्रीमती रेशमा खेस से अनुरोध करता हूं, मैं श्रीमती रेशमा खेस से अनुरोध करता हूं कि इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करें। इनके लिए सेमी फाइनलिस्ट संत जॉन्स मैरी बियानी कॉर्नी सम्मानित कर रहे हैं श्रीमती रेशमा खेस और इनके लिए जोरदार तालियां। और इसके बाद नंबर आता है रनर और विनर टीम की, विजेता और उपविजेता। तो रनर टीम है आरसी प्राइमरी स्कूल जर्मना, आरसी प्राइमरी स्कूल जर्मना की पूरी टीम को मैं मंच के सामने आमंत्रित करता हूं। और साथ ही साथ मैं रनर टीम को बॉयज टीम में रनर टीम आरसी प्राइमरी स्कूल जर्मना की पूरी टीम को मैं मंच के सामने आमंत्रित करता हूं। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। और इनको पुरस्कृत करने के लिए मैं पुनः इनको पुरस्कृत करने के लिए मैं पुनः डॉन बॉस्को स्कूल गुमला के प्राचार्य फादर वीरेंद्र तिर्की से आग्रह करूंगा कि वे इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करें। फादर वीरेंद्र तिर्की।
जोरदार तालियों के साथ इनका अभिवादन करें। जोनाथन पकड़ो, जोनाथन पकड़ो। और इसके बाद बारी आती है विनर टीम की। इस पूरे टूर्नामेंट में बॉयज टीम जो विजेता टीम है संत मिखाइल हाई स्कूल छाता पहाड़, पूरे टीम को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। संत मिखाइल हाई स्कूल छाता पहाड़, और मैं इन्हें पुरस्कार देने के लिए श्री शेत कुमार एका जी से आग्रह करता हूं कि इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर इनका स्वागत किया जाए। इधर देखो, इधर इधर इधर। इसके बाद इस टूर्नामेंट के गर्ल्स टीम की बारी आती है पुरस्कार वितरण का। मैं गर्ल्स टीम में सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा संत पैट्रिक्स गुमला बी की टीम के कैप्टन को। संत पैट्रिक्स गुमला बी की गर्ल्स टीम मंच पर आकर के अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे, और मैं सिस्टर सुषमा लकड़ा से अनुरोध करूंगा कि वे इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करें। हाँ, सिस्टर सुषमा लकड़ा। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम बालिका टीम है संत मिखाइल हाई स्कूल छाता पहाड़। खिलाड़ी मैच अपने स्थान पर बने रहेंगे, अभी तक पुरस्कार वितरण समाप्त नहीं हुआ है। आप बहुत ही अनुशासित ढंग से शुरू से अब तक रहे हैं, अंतिम क्षण तक आप उस छवि को बनाए रखें। क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाली बालिका की टीम है संत मिखाइल हाई स्कूल छाता पहाड़। टीम के कैप्टन से टीम के कैप्टन को पुरस्कार के लिए आमंत्रित करता हूं, और मैं फादर रंजीत से आग्रह करता हूं कि इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करें। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाली अगली टीम है संत मिखाइल हाई स्कूल छाता पहाड़। सेकंड में है क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाली सेकंड टीम है संत पैट्रिक्स गुमला ए की टीम। संत पैट्रिक्स गुमला ए की टीम बालिका टीम के कैप्टन संत पैट्रिक्स गुमला ए टीम की कैप्टन मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें, और मैं फादर प्रदीप टप्पो से अनुरोध करता हूं कि इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करें। फादर प्रदीप टप्पो से अनुरोध करता हूं कि वे इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। हाँ, मैं नीलम विभा से अनुरोध करता हूं कि बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाली तीसरी टीम है आरसी प्राइमरी स्कूल डूमरपाट। टीम के कैप्टन को मैं पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। आरसी प्राइमरी स्कूल डूमरपाट, अच्छा हाँ, इन्होंने ऑलरेडी पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। और चौथे नंबर पर भी संत अर्नोल्ड तुरबुंगा, उन्होंने भी प्राप्त कर लिया है। इसके बाद नंबर आता है
सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली बालिका टीम है संत जेवियर्स डोका पार्ट की टीम के कैप्टन से मैं अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आकर अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे और मैं फादर पैट्रिक मिंच को से आग्रह करता हूं कि वे इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करें। फादर पैट्रिक मिंच जो 90 की उम्र में भी एक कोच के रूप में अपने टीम को लेकर आए हैं और जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। इसके बाद सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली अगली टीम है आरती प्राइमरी स्कूल सोसो की टीम के कैप्टन से मैं अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आकर अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। आरती प्राइमरी स्कूल सोसो टीम के कैप्टन और मैं सिस्टर अर्चना से अनुरोध करता हूं कि वे इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। और जोरदार तालियां। इसके बाद समय आ गया है उप विजेता और विजेता टीम को मंच पर बुलाने का। तो इस पूरे टूर्नामेंट में गर्ल्स टीम में जो उप विजेता टीम रही है वह है संत अनमास मिडिल स्कूल चैनपुर। तो मैं पूरे टीम को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। संत अनमास मिडिल स्कूल चैनपुर पूरे टीम को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और फादर सिरिल कुल्लू जय किसान प्लस टू स्कूल माझा टोली के प्राचार्य से अनुरोध करता हूँ कि वे इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। तो जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करेंगे। और इधर इधर भी एक प्राइज है आपका जी। हाँ, तो इन उप विजेता खिलाड़ी टीम का स्वागत कीजिए एक बार जोरदार ताली से। बहुत बहुत धन्यवाद फारस। अब समय आ गया है विजेता टीम का। विजेता टीम आरसी प्राइमरी स्कूल रामपुर। आरसी प्राइमरी स्कूल रामपुर के पूरे टीम को मैं मंच पर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आरसी प्राइमरी स्कूल रामपुर और मैं फादर लीनू पिंगल एक का कुमला धर्म प्रांत के प्रशासक से अनुरोध करता हूँ कि वे इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। इस पूरे टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो इस तरह से इस प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह यहाँ पे संपन्न होता है। हमारा यह प्रतियोगिता का समारोह यहाँ पे संपन्न होता है। आप सभी को धन्यवाद।